चौथा है जयपुर सहित, और सब जगह जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, नौजवानों का उत्साह है, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, यहाँ भी देखा होगा आपने जो प्रतिष्ठित कंपनी है वो भी आ रही है। मैं अपनी ओर से आप सबको, सबकी ओर से उन कंपनियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्वास कर रही है हमारे यहाँ के युवाओं पर, और आगे भी जो हमने योजना बनाई है, आप सबको मालूम है कि इस बार मैंने एक साथ में 100 मेगा जॉब फेयर पूरे प्रदेश में लगाने का निर्णय किया है, 100। और आपको ये भी मालूम है कि हमने रिको के माध्यम से पहली बार कोई देश के अंदर प्रदेश होगा जो बड़े बड़े शहरों के अलावा अब उपखंड स्तर पर भी रिको के क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। लगभग 50 समिति उपखंड स्तर पर रिको के केंद्र उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनना बहुत बड़ी बात है। तो इसको अपन अगर लिंक करें एक तरफ आने वाले वक्त के अंदर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें हम लोग, तो ये हर उपखंड पर अगर औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, उद्योग लगेंगे, तो वहाँ के युवाओं को, वहाँ के उपखंड के अंतर्गत आने वाले तमाम ग्राम पंचायतों को, ग्रामों के नौजवानों को सुविधा मिलेगी वहीं पर काम करने। इस प्रकार का अगर लिंक देखें तो इस सोच समझ करके ये निर्णय किया गया। आपको भी मालूम होगा कि सरकार बनते हमने MSME का कानून बनाया, जो मध्यम क्लास की श्रेणी की जो इकाइयां हैं, माइक्रो की है, स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम है, उनके लिए कानून बना दिया। 3 साल तक जो नौजवान लगाएगा इंडस्ट्री, उसको सरकार के पास में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी काम के लिए। पूरे देश में उनका वेलकम हुआ था उस वक्त में, कानून बनाया असेंबली के अंदर। अब वो 3 साल की जो सुविधा थी उसको हमने 5 साल में बढ़ा दिया है। तो आप सोच सकते हो कि वैसे भी कानून उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बनना, जॉब फेयर लगना, तमाम काम को देखे हम मिला करके, और साथ में हमने जो फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करवाया है, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, उसके माध्यम से भी जो युवा चाहते हैं आगे बढ़ना है, वो अब यहाँ सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो सरसों में जो घाणी लगानी है, मशीन लगानी है तेल निकालने के लिए, यहीं पर जहाँ जो उत्पादन पैदावार होती है उसको वैल्यू एडिशन कैसे करें, मूल्य संवर्धन कैसे करें उस चीज़ के अंदर, और जो सुविधा हमने दी है खेतों के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने का, कहीं पूछने की जरूरत नहीं सरकार को, ना भूमि के रूपांतरण में, ना और किसी काम के अंदर। तो चारों ओर से हमने 5 साल में जो निर्णय किए हैं, अगर उसको गहरे से अध्ययन करें हम लोग, तो हमारे यहाँ के नौजवान राजस्थान के, जिसका इंटरेस्ट है उद्योगों के अंदर, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, उनके लिए बहुत एवेन्यू खोले हैं। जो इस बात की जो मैं महसूस करता हूँ कि जो बॉर्डर एरिया है हमारा इधर का, पूरे राजस्थान का, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, सवाईमाधोपुर हो, आस पास के एरिया और भी हो सकता है, दौसा भी हो सकता है, यहाँ के नौजवानों को थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको आगे आना पड़ेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खाली सरकारी नौकरी लेने से कोई काम नहीं चलने वाला। अच्छी बात है आप अध्यापक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा और शिक्षक का तो सम्मान प्राचीन काल से होता आया है,
और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने परिवार को ऊपर उठाना है, तो शिक्षा पे हमने बहुत तवज्जो दी है, स्वास्थ्य पे बहुत तवज्जो दी है। और आपको मालूम है कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य दो प्रायोरिटी में आ जाए और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बन जाए उस क्षेत्र का, मानव संसाधन, तो विकास फतेह हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद लालच देते आगे बढ़ने में, संकल्प लेकर कुछ काम करने में। ये सोच पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा भरतपुर डिवीजन भी किसी भी मायने में, पानी की समस्या आपके यहाँ ERCP की मांग लगातार हम लोग दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था खुद ने, रिकॉर्ड सबके पास रिकॉर्डिंग है उनकी, पानी आप देखते हो कि संकट से गुजर रहे हैं आप सालों से, बरसों से, सदियों से। अब जल जीवन मिशन की योजना आ गई है घर घर जल पहुंचाने का, 50% पैसा 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 45% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 10% पैसा पब्लिक से मांग रहे गांव वालों से। अभी मैंने घोषणा की बजट अंदर 10% पैसा भी गांव वालों से देने जरूरत नहीं, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी उनको, ये हमने कहा। इस प्रकार हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर हर घर के अंदर नल पहुंचे, पानी पहुंचे। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी में, बिजली उत्पादन में, सोलर के अंदर, विंड के अंदर, सब में हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप देख रहे हो, और कॉलेजेस नौजवानों के लिए, यहाँ बैठे नौजवान सब लोग आए हैं, मैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी शुभकामना भी है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। यहाँ जिस मिशन से सोच के आए हैं, अच्छे पैकेज मिले, मुझे बताया गया कि यहाँ पर पैकेज जो आपको 6.5 लाख का पैकेज भी मिला, यहाँ पर 4 लाख का भी मिला, 3 लाख का भी मिला है। जयपुर में कल 35 लाख का पैकेज था, मेरे ख्याल से वो भरतपुर का था, पता नहीं कहाँ का था, ऋषभ को मालूम होगा। वो पैकेज मिला था कल जयपुर में 35 लाख का, वो किसका था, कहाँ का था बच्चा, कहाँ का था, कहाँ का लड़का था, रहने वाला कहाँ का था, जयपुर।